Hello everyone, welcome to ISRB Desk. I'm A. Khan. In today's economic concept class, we're going to understand challenges of Indian banking system. Challenges of Indian banking system. Indian banking system के बहुत सारे challenges हैं. इसमें से पहला challenge है risk management के किस तरीके से better risk manage किया जाए, credit risk manage किया जाए, operational risk manage किया जाए, cyber risk manage किया जाए, regulatory compliance का एक challenge है, financial inclusion का challenge है, जनधन योजना तो लाया गया लेकिन साथ में चैलेंज ये भी है कि ये गांव गांव घर घर में पहुंचे, दूर दूर इलाकों में पहुंचे बैंकिंग सर्विसेज, ये एक बड़ा चैलेंज है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैलेंज है कि डिजिटल लिटरेसी आए लोगों में, लोग डिजिटली एजुकेटेड बने ताकि वो समझ सके फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाए कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है. कैपिटल एडिक्वेसी लाया जाए बैंक्स में, ये भी एक चैलेंज है ताकि रिस्क जो बैंक्स के हैं उसको रिस्क को कवर किया जाए. और सबसे बड़ी जो इशू है बैंक्स का आज के रेट में वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतनी बड़ी सरदर्द है कि इसके लिए बहुत सारी मेकानिज्म सेट किए गए, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए टाइम टू टाइम. नॉन परफॉर्मिंग एसेट इश्यूज इन इंडिया, एनपीए के बहुत सारे इश्यूज हैं. सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है. अगर 90 डेज में प्रिंसिपल इंटरेस्ट लोन का नहीं चुकाया गया तो वो एनपीए में काउंट होता है. 90 दिन क्राइटेरिया, 90 दिन के अंदर में वापस आ जाना चाहिए जो ड्यू अमाउंट है. सब कैटेगरीज क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं एनपीए को. कॉजेस क्या है एनपीए के, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाते होने की वजह से एनपीए होता है. लोगों पास बिजनेस के पास पैसे नहीं है, बिजनेस फेल हो रहा है तो वो एनपीए की तरफ चला जाता है. इनएडिक्वेट क्रेडिट हो, क्रेडिट यानी कि जो बोरोवर का क्रेडिट वर्दीनेस है चेक ही नहीं किया कि पैसे वापस करने के लायक है या नहीं है. विलफुल डिफॉल्टर, लोग खुद डिफॉल्ट कर देते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर जैसे मार्केट कंडीशन, मार्केट वोलेटिलिटी है, पॉलिसी रेगुलेटरी इश्यूज है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है बैंकिंग सेक्टर पे. प्रॉफिट कम हो जाते हैं, लिक्विडिटी का इशू होता है, बैंक्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं नए प्रोजेक्ट्स को. स्टेप्स लिए गए हैं, एसेट क्वालिटी रिव्यू स्टेप्स लिया गया आरबीआई के द्वारा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लाए गए हैं ताकि रिजोल्यूशन किया जाए स्ट्रेस एसेट को. रिकैपिटलाइजेशन यानी बैंक में और कैपिटल इन्फ्यूज किया गया आरबीआई के द्वारा, ये स्टेप लाया गया. रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लाया गया, एआरसी को लाया गया ताकि एनपीओ को मैनेज किया जाए. प्रोडेंशियल नॉर्म्स लाए गए, इनहांस सुपरविजन लाए गए एनपीए के लिए. हम देख सकते हैं कि बैंकिंग में जो चैलेंजेस है उसके लिए स्टेप्स बहुत सारे लिए गए. उसमें से कुछ स्टेप ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाए गए, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स में कैपिटल को इन्फ्यूज किया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन आए, गुड्स एंड सर्विसेज लाए जाए, टैक्सेशन जो टैक्सेशन है कॉर्पोरेट्स के और बेहतर हो पाए. मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर को मर्ज किए गए. बैंक्स में हम देख सकते हैं कि जो एसबीआई है उसमें भारतीय महिला बैंक बीएमबी को मर्ज कर दिया गया एसबीआई के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज कर दिया गया देना बैंक के साथ, विजया बैंक के साथ, कनाडा बैंक को मर्ज कर दिया गया सिंडिकेट बैंक के साथ, इलाहाबाद इंडियन बैंक को मर्ज कर दिया गया इलाहाबाद बैंक के साथ. ये कुछ मर्जर है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी विल शॉर्टली मीट विद आवर नेक्स्ट इकोनॉमी की कंसेप्ट टॉपिक. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और सेंड अस मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन.